हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज़ कीर्ति और मैं आज आपको वमसली उपमा की रेसिपी बताने वाली हूँ। हम बनाते तो हैं इसको, बट ये खिली खिली नहीं बनती है, तो मैं आज आपको बताऊँगी कि खिली खिली वमसली उपमा रेसिपी आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स वेज वमसली उपमा रेसिपी। सबसे पहले आपको जितनी आपको खानी है उतनी आप वमसली लेंगे। मैंने एक कटोरी ली है, इसको आप पैन में डालेंगे, पैन गरम करेंगे और एक छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे और इसको आप रोस्ट करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको रोस्ट करेंगे, बट मेक श्योर कि आप जब इसको रोस्ट करें तो आप इसको साथ साथ चलाते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और फिर ये जल जाएगी। मेरे मम्मी के हाथ की ये सेवियाँ की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होती है, तो बहुत टाइम से मैंने खाई नहीं थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे रेसिपी दो और मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई की, तो मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है, तो 2 मिनट और करेंगे और इसको हम अलग निकाल के रख देंगे। सो सेवियाँ अभी ब्राउन हो चुकी थी, मैंने इसको अलग से निकाल के रख दिया है, तब तक ये थोड़ी सी ठंडी होगी, उसके बाद हम बाकी की सारी वेजेस एंड एवरीथिंग सब कुछ काट लें। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको इसको जलाना नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या वेजेस लगेंगी। एक अनियन, एक टमाटर, कैरेट, बीन्स, मटर, राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च। आप चाहें तो कोई भी वेजी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, पीनट्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक बड़ा पैन गैस पे रख लिया है, गैस ऑन कर लिया है, इसमें मैंने 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, इसको गर्म होने तक का वेट करेंगे। आप चेक कर सकते हैं हाथ ऊपर से करके कि ये गर्म हुआ है या नहीं। उसके बाद इसमें मुझे डालनी है मस्टर्ड सीड्स हल्की सी सॉटे होंगी, तो मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ता हल्का सा सॉटे करना है और उसके बाद मेरे को डालना है इसमें हरी मिर्चें। इसमें मैंने डाली है 2 बड़ी हरी मिर्चें फाइनली चॉप करके। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। इसमें कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स का स्वाद बहुत टेस्टी आता है सॉटे करके, अच्छे से अगर आप डालें तो। अब ये हरी मिर्चें सब सॉटे हो गई है, अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, एक फाइनली चॉप्ड प्याज। प्याज को आपको मेक श्योर कि ब्राउन करना है, प्याज को आपने जलाना नहीं है, जस्ट आपको हल्का सा ब्राउन करना है। अगर हम प्याज को हल्का सा ब्राउन करते हैं तो उसका स्वाद जो है वमसली का वो बहुत दुगना हो जाता है, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। अभी ये प्याज हल्के हल्के ट्रांसलूसेंट होने शुरू हो गए। आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, नमक डालने से प्याज जो है जल्दी पक जाता है, बट मैं नमक डालती हूँ टमाटर डालने के बाद, बिकॉज टमाटर को टाइम लगता है पकने में और प्याज पक जाते हैं जल्दी। और प्याज अगर आप देख सकते हैं तो हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। जब ये ब्राउन होना शुरू होते हैं तभी आपको इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर को अच्छे से डाल के इसको मिक्स करना है। एक छोटा टमाटर लिया है मैंने, मुझे ज़्यादा टैंगी नहीं करना। जब हम टमाटर डालते हैं तो थोड़ा टैंगी हो जाता है इसका फ्लेवर। टमाटर डालने के बाद ही मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है। आप नमक कभी कम ही डालेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आप नमक बढ़ा सकते हैं, कम करना मुश्किल हो जाता है। तो टमाटर में मैंने नमक इसलिए डाला है ताकि वो जल्दी पक जाए। टमाटर को हमें जब तक पकाना है जब तक ये हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे, और नमक डालते हैं तो टमाटर जल्दी पक जाते हैं। सो मैं बाकी के मसाले इसमें बाद में डालूंगी, अभी बस मैं टमाटर पकाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है ऑलमोस्ट पक चुके हैं, इसका तेल जो है अलग हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वेजीज जो मैंने फाइनली चॉप करके रखी थी। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं हल्का सा सॉटे करके, अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैंने अभी इसमें वेजीज डाल दी हैं जो मैंने कट करके रखी थी और धो के रखी थी। इसको हमें हिलाना है अच्छे से, और अब इसमें हमने डालने हैं मसाले। मसालों में मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर, और मैं खुद मुझे खाना होता है, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो मैं पसंद करती हूँ लाल मिर्च डालना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च ना डालें। तो मैं इसमें हल्की सी ब्लैक पेपर डालूँगी एंड लाल मिर्च डालूंगी अपने स्वाद के अनुसार। बस अब मसाले डालने के बाद आपको इसको अच्छे से हिलाना है और 5 मिनट तक और पकाना है हल्का सा, ताकि ये हल्की सी जो हैं पक जाएं वेजीज़, क्योंकि बाकी वेजीज जो हैं वो पानी डालने के बाद बॉईल होने के बाद अच्छे से पक ही जाएंगी। तो अब ये ऑलमोस्ट 2 मिनट मैं पका चुकी हूँ वेजीज़। अब इसमें बारी है पानी डालने की। पानी आपको डालना है जितनी आपने वमसली ली है उसका दुगना पानी डालना है, मतलब डबल पानी डालना है। मैंने इसकी 1 कटोरी ली थी तो मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी। ये मैंने डाला 1 कटोरी और ये मैंने डाला 2 कटोरी।
पानी डालने के बाद आपको इसको एक बार स्टोर कर लेना है अच्छे से, एंड स्टोर करने के बाद बॉयल होने का वेट करना है। जैसे ही वो बॉयल होना शुरू हो, आपको इसके अंदर जो आपने रोस्ट की थी देसी घी में वर्मिसली वो डालनी है। एंड मेक श्योर कि आप इसको साथ साथ स्टोर भी करते रहें। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बॉइलिंग के उस पर आ चुका है, और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने रोस्ट की थी वर्मिसली, वो वर्मिसली रोस्ट की हुई इसमें डालनी है, और इसको एक बार अच्छे से हिलाना है। हिलाने के बाद आपको एक बार इसमें नमक और स्पाइसेस जो हैं वो सारे चेक कर लेने हैं कि सब ठीक हैं या नहीं है। अगर कम ज़्यादा है तो आप उसको और डाल सकते हैं, और उसके बाद इस पर बॉयल आने का वेट करना है। अब ये सेवियाँ जो हैं बॉयल होना शुरू हो गई हैं, एक बार इसको अच्छे से स्टर करना है। स्टर करने के बाद मैं इसको इसके लिड से ढक दूंगी ताकि ये स्टीम में और अच्छे से बन जाए और वेजिटेबल्स जो हैं बहुत ही अच्छे से पक जाए। इसको ढककर आपने ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes तक ही पकाना है लो फ्लेम पे। अब ये 5 to 10 minutes, मोस्टली 7 to 8 minutes हो गए हैं इसको पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से वो बॉयल हो रहा है। मैं इसमें से लिड हटाऊंगी और मैं देखूंगी कि ये कितनी पकी है। ये अभी हल्का हल्का इसमें स्टिल अभी पानी है। इसको 2 to 5 minutes और अभी मैं ढक के पकाऊंगी, और फिर गैस बंद करने के बाद मैं इसको 10 minutes ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसको धनिया या किसी चीज़ से गार्निश करके सर्व करूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए और खाने लायक हो। सो अभी मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया है, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। जस्ट इसको 2 to 5 minutes में मेरे को और ढकना है। मैंने इसको 2 to 5 minutes और पका लिया है, और 10 minutes मैंने इसको छोड़ दिया है बंद करके गैस, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे से पक चुकी है। पानी एकदम इसका सूख गया है और एकदम खिली खिली बनी है, अगर आप देख सकते हैं तो। सो इसका यही तरीका है पकाने का, अच्छा एकदम खिली खिली बनाने का, कि आप इसको पहले रोस्ट कर लें अच्छे से और उसके बाद इसको पकाएं। आप इसको आपको अलग से बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है वर्मिसली को। सो आपकी टेस्टी वर्मिसली उपमा रेडी है खाने के लिए, सर्व करने के लिए। अपने घर पे बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, ब्रेकफास्ट में दीजिए उनको, लंच में, टिफ़िन में दीजिए, स्कूल में, आप कैसे भी करके बनाइए, बहुत टेस्टी बनती हैं। आप इसको और स्पाइसी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको केचप के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते। सो ये थी मेरी बिना उबाले वर्मिसली उपमा रेसिपी। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।